हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल। अब यू आपने ऑब्जर्व किया होगा बिटवीन व्हीकल, रोड व्हीकल और एरोप्लेन के बीच का फर्क। तो बस एरोप्लेन का स्ट्रक्चर किसके इंस्पिरेशन, किसे देख कर, किसे ऑब्जर्व करके बना होगा, आप इमेजिन कर सकते हो बर्ड के। तो बर्ड ये कैसे फ्लाई करते हैं, किस तरह से अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट का मीनिंग बार बार समझाने की मुझे लगता ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए जो उनके बॉडी में चेंजेस होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, वही उनका एडेप्टेशन होता है। तो राइट, एनवायरनमेंट से उस मैच करने के लिए। तो हम देखते हैं बर्ड का कैसा होता है। तो बर्ड का जो स्पिंडल शेप होता है, स्पिंडल शेप मैंने पहले ही बताया, ये जो इस तरीके का शेप होता है वो स्पिंडल शेप है। आज जब मैंने आपको फिश का स्ट्रक्चर बताया तब देखो, बीच में थिक रहेगा और साइड बाय थिन रहेगा, दोनों एंड कैसे रहेंगे, टेपर रहेंगे। और यही शेप उन्हें फ्लाई कर एयर में उड़ने के लिए हेल्प करता है। वो इस वजह से अच्छे से फ्लाई कर पाते हैं, रेजिस्ट कर पाते हैं एयर के फ्लो को। और साथ ही साथ उनके जो बोन होते, दे हैव होलो बोन, अ बॉडी कवरिंग ऑफ फीदर्स। यस यू नो, होलो बोन्स मीन्स जो ठोस ना हो, मीन्स जैसे खोखला टाइप का। अब एक रॉड देख लो सिंपल, जो रॉड पूरा ठोस होगा अंदर से, मतलब वो फील होगा पूरा, जैसे आयरन का ले लो, स्टील का ले लो, फील होगा, वो थोड़ा ज़्यादा वजनी होगा और उसका वेट ज़्यादा लगेगा आपको। और जो रॉड होलो होगा मतलब उसमें कुछ नहीं होगा, मतलब वो पूरा ठोस नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, बीच से बिल्कुल खाली होगा, रॉड शेप होगा पर उसको अगर बीच से सेंटर से ओपन करके देखो तो पूरा खाली होगा। तो वो रॉड आप उठा के देखो, स्टील रॉड या आयरन रॉड, और स्टील रॉड लेते हैं, वो कैसा होगा, हल्का होगा वेट में। तो सेम इनकी जो उनके जो बोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, होलो बोन्स होते हैं, जिस वजह से वेट कैसा होता है इनका, हल्का होता है। इनका जो बॉडी कवर होती है पूरी तरह से फीदर से कवर होती है। इनका जो फोर लेग होता है, फोर लेग देखो, एनिमल हैव फोर लेग एंड टू लेग्स क्या है, उनके जो सामने के टू लेग्स होते हैं, जैसे हमारे हैंड्स है, उस टाइप के जो सामने के टू लेग्स होते हैं उन्हें फोर लेग कहते हैं, जो पीछे वाले लेग्स होते हैं उन्हें हिंड लेग कहते हैं। तो उनकी उस जो फोर लेग है, आपने देखा होगा, देखा है क्या किसी बर्ड के फोर लेग साथ में देखे, नहीं ना, टू लेग्स देखे ना। तो टू लेग्स जो होते हैं उनके सामने वाले फोर लेग, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो विंग में मॉडिफाइड हो चुके होते हैं, जो कि उन्हें उड़ने में काम आते हैं। अब देख सकते हैं इंसेक्ट की बॉडी, तो इंसेक्ट कैसे होते हैं, इंसेक्ट भी लाइट वेटेड होते हैं, उनका भी एंड कैसे होता है, टैपर एंड होता है। और साथ ही साथ दे कैन फ्लाई विथ टू पेयर ऑफ विंग्स, उनके पास जो टू पेयर ऑफ विंग की वजह से वो क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। और उनके सिक्स स्टिक लाइक लेग होते हैं, जिससे वो नीचे भी रेंग पाते हैं, वॉल में भी स्टिक हो पाते हैं। अब वाटर कैन, जैसे बैट, बैट जो है उसके, आप बोलो उनके जो पैटीजियम होते हैं वो उसे फ्लाई उड़ने में मदद करते हैं, फ्लाई करने में मदद करते हैं। तो पैटीजियम कहाँ होता है, उनके एक थीन फोल्ड ऑफ स्किन है जो कि उसके फोर लेग और हिंड लेग के बीच में होती है। यस, तो अब ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं एडेप्टेशन इन रिप्टाइल्स, एडेप्टेशन इन रिप्टाइल्स। तो रिप्टाइल्स का क्या है, आप रिप्टाइल्स में रेंगने वाले, जो जमीन पर रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं, अब से आपने दिया है एग्जाम्पल एनिमल लाइक हाउस लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल यूज देयर मसल फॉर क्रीपिंग। वो क्रीपिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं, अपने मसल्स का यूज़ करते हैं। एंड वो उनके जो स्किन है उसमें भी एडेप्टेशन नज़र आएगा, जैसे कि आप जैसे उनके सोल्स ऑफ फिट में आपको एडेप्टेशन नज़र आएगा, उनकी बॉडी के कलर में आपको चेंजेस नज़र आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम हाउस लिजार्ड का ले लेते हैं, तो हाउस लिजार्ड और मोनिटर लिजार्ड का यहाँ दिया हुआ है आपकी बुक में, तो उनके जो क्लॉज होते हैं, जो आपके हाउस लिजार्ड के क्लॉज होते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, यहाँ दिया है आपके हाउस लिजार्ड की क्लॉज, ये दिया हुआ है, ये देखिए, ये जो क्लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं, टोज, ये उनके क्लॉज होते हैं उनके टोज में, और साथ ही साथ जिससे उनकी पकड़ बन सके, वॉल पे चलती है ना, एंड थिन सोल होते हैं उनके। अब वेरा स्नेक का देखो, उसी जगह पे स्नेक का देखो, तो उनकी स्किन कैसी होती है, स्केली स्किन होती है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल, और भी देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे टॉर्टाइस का दिया है, यू नो मेनी ऑफ एग्जाम्पल ऐसे हैं रेप्टाइल्स के,
जो आप ऑब्जर्व करके समझ सकते हो कि एडेप्टेशन के लिए उनके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, हुए हैं, क्या क्या चेंजेस उनके बॉडी में नज़र आते हैं, क्या डिफरेंसेस उनके नजर बॉडी में दिखाई पड़ते हैं। अब देखो एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल, तो फूड के लिए एनिमल में किस तरह के एडेप्टेशन होते हैं। अब फूड के लिए देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास टीथ होता है, कार्निवोरस एनिमल के पास हमने देखा था, जैसे लास्ट इसमें देखा था कि टाइगर टाइगर और लॉयन के जो कैनिन टीथ होते हैं उनके पास शार्प तो उनके जो आप यहाँ देख सकते हो बर्ड को वुड कटर है, तो बर्ड्स के जो टीथ नहीं होते, बर्ड्स के कैसे होते हैं, उनकी बीक होती है, बीक के हेल्प से वो क्या कर पाती है, फूड ले सकती होती है। इस कुछ एग्जांपल इसके कि उनकी फीडिंग हैबिट भी कैसी, फूड लेने की फीडिंग हैबिट जो होती है उस हिसाब से उनके बॉडी में उनके स्ट्रक्चर में एडेप्टेशन आपको नजर आएगा। आपको एक और ज़्यादा जानना है तो आप जैसे नेशनल जियोग्राफिक वाइड डिस्कवरी आपकी बुक ने सजेस्ट किया आपको कि आप ये सारे उनकी फीडिंग हैबिट को देखना है आपको, तो फ्रॉक्स स्नेक बर्ड मॉस्किटोज इनके देखना है बटरफ्लाइज के, तो आप क्या कर सकते हो इस प्रोग्राम को डिटेल में देख सकते हो। ये टेबल आपके इसमें नहीं है, रिड्यूस कर दिया गया है। अब हम देखते हैं एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग। तो एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग मतलब सराउंडिंग के साथ कैसे वो अपने आप को मैच करते हैं। ब्लेंड करना मतलब मेल खाना, मिक्स करना। तो सराउंडिंग में जैसे यहाँ पे दिया है बटरफ्लाई दिया है, लिजार्ड दिया है, ग्रास ऊपर दिया है, तो वो क्या करते हैं, ग्रास ऊपर देखो ग्रीन कलर का होता है तो ग्रासेस में अच्छे से छुप जाता है, अच्छे से उनके जो प्लांट लाइक स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। अब जैसे बटरफ्लाई होगी येलो है और येलो फ्लावर में अगर रहेगी तो आपको समझ में आएगी नहीं, तो अपने आप को सराउंडिंग के कलर के साथ ब्लेंड कर लेते हैं, उनके कलर्स ब्लेंड हो जाते हैं, जिस वजह से वो क्या करते हैं दैट बिकॉज देयर कलर्स ब्लेंड विद दोस देयर सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ वो मेल खाते हैं, मैच करते हैं, जो कि उनको अडेप्ट करने में हेल्प करता है सराउंडिंग से। नाउ नेक्स्ट अब आपका एडेप्टेशन का कि एडेप्टेशन कहते किसे, पहले भी हम देख चुके फिर से। तो चेंजेस दैट टेक प्लेस इन वेरियस ऑर्गन एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एनेबल देम टू लीव फीड रिप्रोड्यूस टू प्रिपेयर देमसेल्फ एंड प्रिपेयर मीन का मीन होता है बेटा लंबे समय तक कायम रहना या कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक टिके रहना। तो जैसे जो चेंजेस आते हैं वेरियस ऑर्गन में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ऑर्गन्स से जो ऑर्गन्स जो उनके ऑर्गन्स से बॉडी के उनमें जो डिफरेंट चेंजेस आते हैं उनके लाइफ प्रोसेस एंड उनके जो लाइफ प्रोसेस में आते हैं चेंजेस दैट उनको क्या करते हो एबल बनाते हैं, एनेबल बनाते हैं वहाँ रहने में उस एटमोसफियर में उस एनवायरमेंट में, फीडिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यूसली उस एनवायरनमेंट में टिके रहने के लिए, अपने एनिमीज से प्रोटेक्शन पाने के लिए स्पेसिफिक सराउंडिंग में से ये सारी चीज और उनके हैबिटेट कैसा है, कहाँ वो रहते हैं, कैसे कंडीशन में रह रहे हैं, इन सब से क्या होने के लिए, इन सब में अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए जो उनके ऑर्गन्स में चेंज आता है, उनके लाइफ प्रोसेशन में जो चेंज आता है उसे कहते हैं That is called adaptation. जिस तरह की geographical condition उस तरह की उनकी body क्या कर लेती है, कैप्ट कर लेती है, adapt कर लेती है, उनके various organ उस तरह से क्या होते हैं, change होते हैं, that is called adaptation. Yes. Next हम लेंगे theory है, Darwin's की theory है, theory of evolution. ये आपको ये भी reduce हो चुका है but I will मैं आपको पढ़ाना चाहूँगी। तो चार्ल्स डार्विन का क्या है, दो उन्होंने थ्योरी रखी थी डार्विन ने, इवोल्यूशन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट जिस तरह से चेंज हो रहा है तो चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ जो अपने ऑर्गन्स को अडेप्ट कर लेगा, जो एनिमल सर्वाइव कर लेगा चेंजेस ला के, वो क्या हो जाएगा उस एनवायरमेंट में फिट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये उनकी एक थ्योरी है इवोल्यूशन के लिए। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई हमारे एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहा है, जैसे कि गर्मी बढ़ रही है या बारिश, तो ऐसे एनवायरमेंट को अगर बॉडी सर्वाइव कर लेती है जिस एनिमल की, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म की,
वो क्या होगा, फिनिश नहीं होगा। जो नहीं फिट हो पाएगा एनवायरमेंट में वो खत्म हो जाएगा, जो फिट हो जाएगा वो आगे बढ़ेगा, कंटिन्यूसली आगे चलते रहेगा। दैट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब नेक्स्ट लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन ऐसा है कि जो भी कैरेक्टरशिप, जो ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न विथ न्यू बेनिफिशियल कैरेक्टर, जैसे एनवायरमेंट चेंज हुआ तो जो ऑर्गेनिज्म न्यू बेनिफिशियल कैरेक्टर, मतलब उस एनवायरमेंट से जो फिट हो सके जिस एनवायरमेंट में, वो जिस कैरेक्टरिस्टिक के साथ, तो कैरेक्टरिस्टिक के साथ वो बॉर्न होगा, जो एबल होगा उस चेंजिंग एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, उसमें जो चेंजेस होंगे और ये नेक्स्ट जनरेशन में भी जो चेंजेस आ जाएंगे वो भी सर्वाइव करेगा, दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचर जैसे सिलेक्ट कर लेगा नेक्स्ट जनरेशन में, उसी को बोलेंगे नेचुरल सिलेक्शन। वही क्या हो पाएगा, इस नेचर में जी पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। नेक्स्ट लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, अब इतने वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, तो इनका अगर हमें स्टडी करना है, इनका अगर साइंटिस्ट को स्टडी करना है, तो कैसे स्टडी करेंगे, एक साथ कुछ उनका नाम वगैरह एक पता होना चाहिए ना, एक क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि ये किस ग्रुप में आते हैं, इनके डिफरेंसेस करने हमें, इनके सिमिलैरिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ अगर स्टडी करनी है तो उसके लिए ज़रूरी था क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन कि इसमें इतना ही, इसमें ये चीज़ें आती हैं, ये स्पीसीज से इस चीज़, ये एनिमल इस एनिमल से मैच करता है, इस ग्रुप्स में आ सकता है, इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारी स्टडी के लिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया से इंडिपेंडेंटली क्लासीफाइड किया प्लांट और एनिमल को, और हायरार्की इज फॉर्म द क्लासिफिकेशन। और इस क्लासिफिकेशन से क्या फॉर्म हुई, हायरार्की, एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन का जो एक मेथड होगा वो तैयार होगा। तो इसमें इस हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, इसका स्टार्टिंग कहाँ से किया गया, किंगडम से, यहाँ टेबल दिया उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और किंगडम एनिमेलिया से और किंगडम प्लांटा से, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो ही ग्रुप बनेंगे, एक एनिमल एक प्लांट, तो उस तरीके से इन्होंने किंगडम लेके किस किंगडम से आएंगे, एनिमल वाले एनिमल इसमें आ जाएंगे और प्लांट वाले इसमें आएंगे। फर्दर ग्रुप सब ग्रुप आर फॉर्म, मतलब उनके फिर ग्रुप होंगे, सब ग्रुप फॉर्म होंगे, तो ये सब डिपेंड करता है उनके सिमिलैरिटीज पे और डिफरेंसेस पे। यस, अरेंज देखो किससे हो रहा है, स्पीसीज से हो रहा है, मतलब उनकी जाति से, इसी को हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। किंगडम आप ये समझ सकते हो, टेबल देखिए हायरार्की दी है, किंगडम है, किंगडम इस किस सृष्टि से आए, फाइलम, संघ, क्लास, वर्ग, ऑर्डर बता सकते हो मैं आपके, ऑर्डर क्या होगा, वर्ग होगा, नहीं ऑर्डर क्लास वर्ग होगा, ऑर्डर गण होगा, फैमिली मीन्स कुल, जीनस मीन प्रजाति, स्पेसिस मीन जाति। आप वैसे भी हमें यही ध्यान रखना है, फैमिली क्लासेस से हम ज़्यादा अच्छा समझ जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो मैंगो ट्री प्लांट का दिया है स्टडी करना, ह्यूमन का दिया है, तो इनके जब स्टडी करने जा रहे हो, इनका जब आप देखने जा रहे हो, तो आप मैंगो किस में आएगा, किंगडम प्लांट में आएगा, ह्यूमन किस में आएगा, किंगडम एनिमल में आएगा, ऐसे कहोगे। मैंगो का फाइलम क्या रहेगा, तो एंथोफाइला रहेगा, और ह्यूमन का क्या रहेगा, कॉर्डाटा रहेगा। मतलब उनकी जो स्ट्रक्चर है, शेप है, डिफरेंसेस है, इन पे क्या किया गया, किस क्लास में आ रही, इस तरह से लगाते हैं। क्लास डाइकोटिलीडॉन्स है, ह्यूमन मैमिलिया है, समझ रहे हो आप, क्लास डाइकोटिलीडॉन्स मतलब मैंगो की जो सीड रहेगी वो कैसे रहेगी, दो देखो जो सीड दो ऐसी आप सीड को तोड़ो तो वो दो भागों में हो जाएगी, राइट, तो वो होगी डाइकोटिलीडॉन। अब मैमिलिया मैमिलियन है, हम मैमिलियन ग्रुप में आते हैं, क्लास में आते हैं, यस। ऑर्डर तो यहाँ पे मैंगो का स्पिंडल्स दिया है, ह्यूमन का प्राइमेट्स दिया है, फैमिली इस तरह से क्या है इनका चेंजेस। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनियस से देखते, तो बायनोमियल मीन्स क्या, किस तरह से, तो ये नेम, जब नेम डिसाइड किए गए कि कैसे नेम बोले जाए, जैसे आपके क्लास में समझो एक ही नाम के चार, कबीर ही नाम के दो चार बच्चे हैं और किरण नाम के दो चार बच्चे, तो क्या आप कबीर किरण बोलोगे तो समझ पाएंगे, क्या आप बोलोगे कबीर कमी, कबीर कमी, और कौन सा कबीर आपके पास आएगा, देखो कंफ्यूज ना, वो कंफ्यूज जाएंगे कि किसे जाना है, किसे टीचर ने बुलाया, तो दैट्स व्हाई क्या है, हम उनके सरनेम लेते हैं, क्योंकि सरनेम थोड़े डिफरेंट रहेंगे उनके, तो जब हम पूरा कबीर प्लस उसका सरनेम लेंगे तो उसे समझ में आएगा कि मुझे बुलाया जा रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स में भी यही उनके नेम, उनके इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर जब किया गया, उनका नेमिंग दिया गया, तो इस उनके नाम नेम किस बेसिस पे दिए गए, उनके
बाइनोमियल, तो उनको भी फर्स्ट नेम किस पे किया गया, उनकी जीनस, उनका फर्स्ट पार्ट नेम का क्या रहेगा, उनके जीनस से रहेगा, और सेकेंड जो नेम आएगा मतलब उनका सरनेम समझ लो वो स्पेसिस से रहेगा। जैसे कि हम मैंगो का नाम अगर साइंटिफिक नेम बोलना है तो क्या रहेगा, मैग्नीफेरा मैंगीफेरा इंडिका। ह्यूमन का बोलना है साइंटिफिक नेम तो होमो स्पेस सेपियन, इस तरह के नेम दिए गए। और ये डिपेंड करता था उनकी कलर्स, हाइट, हैबिट, इस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन प्लस बायनोमियल। बायनोमियल आपको समझ में आ ही गया होगा अच्छे से। यस, नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैंने ही आगे टेबल जो है टेबल स्किप है आपके सिलेबस से रिड्यूस है तो भी फिर, और ये जो फ्रॉक के लिए दिया है बॉक्स में वो भी रिड्यूस ही है, फिर भी हम देख लेते हैं कि 29 अप्रैल ये एज अ वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे के लिए इस पर्पज से मनाया जाता है, ऑब्जर्व से माना जाता है। और ये कहा जाता है ये फ्रॉग को क्या नहीं करना चाहिए, हार्म नहीं पहुंचाना है, उन्हें मारना नहीं, बल्कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन्हें प्रोटेक्ट करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हियर वी कंप्लीट अवर चैप्टर।